बहुत गर्मी पड़ी है। बड़े भैया, सूरज तो अपने फुल मूड में तप रहा है। ओ हो, पसीना पसीना, मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। इस तपती गर्मी से बचने के लिए कुछ तो इंतजाम करो, बहुत गर्मी है। ओए मोटू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, समझ लो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई यार। मेरा लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट कुछ दिन पहले ही सक्सेसफुल हुआ है। ये लो, ये एसी गैजेट पहन लो यार। इसको पहनकर ये वाला बटन दबाते ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम एसी में बैठे हो यार। बस याद रखना, इसका कूलिंग टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना है यार। मेरा अपना एसी गैजेट। पर भैया, इतनी तपिश वाली गर्मी में धीरे धीरे टेम्परेचर क्या बढ़ाना, मुझे तो फुल कूलिंग मूड में एसी में रहना है। मुझे मेरी भाई, मेरी यार, नहीं हो, मुझे मेरी यार। पर भैया, ये क्या हो गया? ये गैजेट तो मेरे बॉडी में चिपक गया है, निकल ही नहीं रहा। मुझे मेरे भाई, मेरी यार, मेरी कोई भी बात तुम मानते नहीं हो यार। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने बटन दबा दिया। अब जब तक मैं गैजेट निकालने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता, तुम्हें इसे पहने ही रखना पड़ेगा यार। उड़ी बाबा, मोटू तुम खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा मारा ना। मुझे मेरे भाई, मेरी यार, कोई नहीं यार, कोई नहीं, तुम्हें कूलिंग इफेक्ट तो मिलता ही रहेगा। मोटू, मैं तो कहता हूँ इस पूरे गर्मी के सीजन में तुम ये गैजेट उतारो ही मत। तुम्हें एसी की फीलिंग मिलेगी ही, और साथ में मुझे तुम्हारे अंदर से कूलर की हवा भी मिलती रहेगी। मैं तो उसी से काम चला लूंगा। अब प्लीज मोटू। पतलू, तुम मेरा मजा ले रहे हो? अरे तुम लोग क्या मेरे साथ साथ चल रहे हो? कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो अपना अपना रास्ता नापो। अरे चले जाएंगे मोटू, पहले ये तो बता दो कौन सा कूलिंग पाउडर लगाया है, या फिर किस कूल साबुन से नहा कर आ रहे हो? कितनी ठंडी हवा आ रही है। से इसको जंगल में ही रखेंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। पतलू तुम, पतलू देखा तुमने, इस एसी का मुझे तो कोई सुख नहीं मिला, उल्टा इंसान जानवर सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। मोटू, ये तो प्रकृति का नियम है, हर अच्छी चीज में कोई ना कोई बुराई और हर बुरी चीज में कोई ना कोई अच्छाई होती है। पतलू, मुझे नहीं चाहिए कोई एसी वैसी, कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, चलो चलकर चिंगम सर से तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं। चिंगम सर, इंस्पेक्टर, इतनी गर्मी में जब कैदियों के लिए जेल में कोई कूलर एसी नहीं है, तो हमको बंद क्यों किया? अरे तुम सब कैदी हो,
यहाँ पर कोई समर वैकेशन में नहीं आए हो कि तुम्हारे लिए सरकार कूलर एसी लगा देगी। ठीक है पंखा तेज करो। तुम्हारे आते ही पूरा कमरा एसी रूम जैसा बन गया। तुमने ऐसे कैसे किया? कैसे 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 कैसे? टेल मी। चिंगम सर, डॉक्टर झटका का एसी गैजेट मेरे बॉडी से चिपक गया है और जब तक मैंने इसे पहन रखा है मुझे एसी की फीलिंग मिलेगी। हाँ सर। ए रबेरी, जल्दी से हाथ कड़ी लेकर आओ। अब जब तक ठंड का मौसम नहीं आ जाता तुम पुलिस स्टेशन में ही रहोगे। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैं यही जेल में मंगवा लूंगा। अपने एनर्जी बूस्टर के लिए रेडी हो जाओ। मुंह खोलो। चिंगम सर, मैंने आपको छोड़ दिया। थैंक यू। मोटू, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं पतलू, पहले मुझे डॉक्टर झटका के पास जाना है, इस एसी गैजेट से पीछा छुड़ाना है। अरे ये गैजेट तो मेरे लिए जी का जंजाल बन गया है। डॉक्टर झटका, डॉक्टर झटका, मार छुटिया बंबल वाले नो। मोटू मेरे पाए मेरे यार, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई यार? हमारे 20 साल का तजुर्बा बोलता है कि मोटू के ऐसे गैजेट को पब्लिक ने बहुत यूटिलाइज किया है। बड़े भैया, इस गैजेट को मैंने जब से पहना है तब से धरती आकाश सब जगह मैं भाग ही रहा हूँ। इससे पहले कि मुझे पाताल में भी जाकर छुपना पड़े इसे उतार दो प्लीज। मुझे नहीं चाहिए एसी की कूलिंग।
मुझे अचानक से गर्मी क्यों लगने लगी है? मोटू मेरे भाई मेरे यार है मेरे बड़े प्यार, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ऐसी गैजेट तुम्हारी भागम भाग में डैमेज हो गया है यारी। अब तुम ठीक हो गए हो यारी। ओ मेरे भाई मेरे यार, लो तुम बन गए एकदम नॉर्मल। सीताराम, मैं ठीक हो गया। ये गर्मी का मौसम कितना सुहाना मौसम है, पसीना बहना कितना अच्छा लगता है। आज से मेरा फेवरेट मौसम गर्मी का है पतलू। थैंक यू बड़े भैया, गले मिल लो। चिंगम के चंगू से बचना यम पॉसिबल। सॉरी भैया सॉरी, देख नहीं पाया। मोटू पतलू उन्हें पकड़ो, वो भागने ना पाए। मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हें यहाँ से निकाले ताकि तुम भाग जाओ। मोटू पतलू इतने बेवकूफ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? चिंगम सर आप लॉकअप में क्यों है? पतलू चिंगम मैं हूँ, वो एक खतरनाक अपराधी है। मेरे चेहरे का मास्क लगा के पुरपुरी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे लॉकअप में डाल के उसके चेहरे का मास्क लगा दिया है। उसके दोस्तों को पकड़ के पुरपुरी नगर को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम दोनों इसके चेहरे का ये मास्क निकाल के असली चेहरा देखो। इट्स एन ऑर्डर। बाय बाय टाटा, सी यू। ओके सर, बाय बाय टाटा, सी यू। इसकी मुझे तो असली है, निकलती ही नहीं। मैं भी असली हूँ, वो तुम्हें उल्लू बना गया। कानून की कसम, भारत माता की कसम, उसे नहीं छोड़ूंगा। पतलू, हमें जल्दी से उस अपराधी को ढूंढना होगा। अरे ढूंढ ही तो रहे हैं, लेकिन वो दिखे तो सही। अरे वो कौन है? कैसे छुप छुप के अपराधियों की तरह होटल की तरफ देख रहा है? लगता है वही हमारा अपराधी है, बच के जाने ना पाए। तो चिंगम सर है। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर, हम उस अपराधी को पकड़ने निकले हैं। खबर है कि वो अपराधी उस होटल में छुपा है, इसलिए मैं बेस बदल के उस पे नजर रखा हुआ था। चिंगम सर एक बार फिर से सॉरी, हम आपसे वादा करते हैं कि उस अपराधी को पकड़ के ही रहेंगे। अब हम भी भेस बदल कर जाएंगे। हम शेख मान नमान अब्दुल रहमान है, और ये है मेरी बेगम शेख हसीना बानो। मानो या ना मानो, वाला हमको अच्छी रूम मांगती। आप चिंता न करें मान नमान अब्दुल रहमान शेख साहब। मानो ना मानो, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हे बॉय, इनका सूटकेस उठा के रूम नंबर 420 में ले जाओ। खबरदार, सूटकेस को हाथ भी लगाई। क्या कर रहे हो शेख साहब? सूटकेस रुपयों से भरे हैं, इन्हें खुद ही उठा के चलो। उस शेख के दोनों बैग रुपयों से भरे पड़े हैं। काश कि हमारे पास भी इतना पैसा होता। रुपयों से भरा बैग,
आज रात मेरे पास होगा। हेलो चिंगम सर, हमने सब ट्रैप लगा दिए हैं। वो चोरी करने आया तो बच नहीं पाएगा। वैसे आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में ही हूँ। चोर जैसे ही पकड़ा जाता है मुझे बुला लेना। होटल के सब रास्ते पे नाका बंदी है, वो भाग नहीं सकता। शेख अब्दुल रहमान, मान ना मान, मैं तेरा माल चोरी करके ले जाऊंगा। कौन है? कौन है? मोटू, लगता है चोर आ गया। बाय बाय टाटा सी यू। चिंगम सर जल्दी आओ। वो चोर बहुत चालाक निकला, हमें फिर से उल्लू बना के भाग गया। वो भाग नहीं सकता, होटल के सब रास्तों पे पुलिस बैठी है। वो कहीं अंदर ही छुपा होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। चिंगम सर हमें तो उतारो। चलो अब ढूंढो उसे, अभी भी वो होटल में ही होगा। मैं इस तरफ ढूंढता हूँ, तुम उस तरफ ढूंढो, वो जरूर किसी रूम में ही होगा। मैं तुम्हें पुलिस की अथॉरिटी देता हूँ, मैं जाता हूँ। बाय बाय टाटा सी यू। बाय बाय टाटा सी यू, ये तो चोर कहता है। अरे ये चिंगम सर का भेष बना के हमें उल्लू बना रहा है, उतारो इसका मास्क। सॉरी, गलती से मैं चोर का तकिया कलम बोल दिया। अरे मैं चिंगम हूँ। अरे ये तो चिंगम सही है, इनके मूछे भी असली है। सर फिर कभी बाय बाय टाटा सी यू मत बोलना, हम तो समझे थे कि आप ही चोर हो। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तुमको क्या दोष दूँ। अब जाओ और उसे ढूंढो। अरे पतलू आज तो बहुत मार पड़ेगी, उस चोर को भूल जाओ और अपनी जान बचाओ। सत्यो जी, बच्चे अचानक बड़े हो गए हैं, कौन सा दूध ला के दिया है? अरे एक की तो मुझे भी निकल आई है, ये कौन सा दूध पिला रही हो इन्हें? अरे अरे ये हमारे बच्चे नहीं है। सॉरी, दूध भी ठीक है और बच्चे भी। बाय बाय टाटा सी यू। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। चोर चोर पकड़ो।
इन द नेम ऑफ लॉ। ये तो नकली है। ये हमारी चाल थी तुम्हें पकड़ने की। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल डागा। चलो, जेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं सरेंडर करता हूँ, सिर्फ एक काम करने की आपसे परमिशन चाहता हूँ। बोलो 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 बोलो, परमिशन ग्रांटेड। मोटू पतलू, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। मुझे फुरफुरी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट करना था और तुमने रुपयों के लालच में मुझे फंसा दिया। मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। थैंक यू। क्या तोहफा है? भैया मां, क्या तोहफा है? चलो डागा, अब जेल चलो। ये दोनों मोटू पतलू की वजह से हमारी रात खराब हो गई। हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरे। हम भी इन्हें तोहफा देंगे। नहीं नहीं, और तोहफा नहीं, प्लीज। चिंगम सर बचाओ। सुबह और शाम समोसे ही खाती हो, पता नहीं कैसे उधार चुकाती हो। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। अरे कविता को छोड़ो, अपने बॉस से पूछो कि वो क्या करता है। चोरी लूटपाट, इससे तो अच्छा है दुकान में बैठ के समोसे खाना। मैं चोरी करता हूँ तो क्या हुआ, कुछ काम तो करता हूँ। तुम तो कुछ नहीं करते। फकीर तो फकीर, ना ठेला ना दमड़ी ना कौड़ी। ये देखो मोटू और पतलू की जोड़ी। अरे अरे चिंगम भाया, अरे चिंगम भाया देखो, अरे ये मोटू पतलू और जॉन कैसे लड़ रहे हैं। अरे कोई रोको इन्हें। आई एम अ स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ मोटू, तुम्हें समोसे की कसम। जॉन, तुम्हें रुपयों की कसम। रुक जाओ। आई एम अ, मुझे क्यों मार रहे हो? आई एम इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर चिंगम। अम्मा अम्मी अम्मा। चिंगम सर, आप कब आए? मारपीट के बाद में पूछते हो आप कब आए? तुम लोग सुधर जाओ। जॉन, तुम मेहनत और ईमानदारी का काम क्यों नहीं करते? मोटू पतलू, तुम दोनों भी कुछ काम करो। इस तरह मारपीट से क्या फायदा? ठीक है चिंगम सर, आज से हम मेहनत से काम करेंगे और मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। अगर अब मुझे कोई शिकायत मिली तो तुम सब जेल में रहोगे। आइए आइए, ताजे ताजे फल खाइए। उनका बिजनेस चल रहा है, अपना भी चलाओ। उनको बर्बाद करने का कोई तरीका तो बताओ। वाह बहुत वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, उनकी दुकान बंद करने का आइडिया सोचो। बॉस, क्यों ना वहाँ बंदरों को छोड़ दे, वो सारे के सारे फ्रूट्स खा पी के भाग भी जाएंगे, है ना? नीचे झुको, नीचे झुको। अरे कभी तो अकल की बात किया करो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, कुछ बंदर ले जाकर वहाँ छोड़ दो, वो उसके फल फ्रूट सब खा जाएंगे। ओके बॉस, बहुत अच्छा आइडिया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आइडिया नहीं आते। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। हुस हुर। ए मम्मी बचाओ।
अरे कहां से आ गए? भागो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। छोड़ो मुझे, अरे मैं कोई केला नहीं हूँ, जाओ नीचे असली केले खाओ। मोटू पतलू के धंधे का हमने किया पूरा हाल, अब हम होंगे मालामाल, मालामाल, मालामाल। भागो यहाँ से। मोटू कुछ करो, हमारी दुकान बर्बाद करके वो मजे कर रहा है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। चलो चलो, फ्री चॉकलेट्स मिल रहे हैं, अपने अपने बच्चे लेकर आओ। आ गए आ गए, जिसका हमें था इंतजार वो आ गए। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पैसे तो दो, पैसे तो दो। बस कविता कुछ जमी नहीं। कविता के बच्चे कविता को छोड़ो, इन सब से पैसे लो। पैसे दो, पैसे दो। बाहर बोर्ड लगा है फ्री चॉकलेट्स और पैसे मांग रहे हो, हमें उल्लू बना रहे हो। हमें दुकान में बुलाने के लिए ये चाल चली। मारो मारो इसे। अरे मुझे निकालो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? बस बस ये ऐसे हुआ। मोटू पतलू। बॉक्सर भैया आइए, अपने बच्चे के लिए टॉयज ले जाइए। बॉक्सर सर, बॉक्सर सर इधर आइए। देखिए बॉक्सिंग ग्लव्स ले जाइए, पंचिंग बैग है, बहुत कुछ है, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कम दिस साइड प्लीज। ओए मुझे ना इधर जाना है ना उधर, तुम लोग ही जाओ, तुम्हें जिधर जाना है जाओ। चिंगम सर आपने कहा और हमने कर दिया। देखिए टॉय शॉप, जल्दी से इधर आइए और टॉयज खरीदिए। सर सर इधर आइए, देखिए अब मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जॉन मुझे सुन के खुशी हुई कि तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं पहले अपने दोस्त मोटू पतलू की दुकान में जाऊंगा। Oh!
ट्रबल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। भगा भगा। चिंगम सर आपकी बाइक लेके जा रहा हूँ, बाद में लौटा दूंगा, बाय बाय। पीछा करो, वो लोग मेरी बाइक लेकर चले गए। दो दो लोगों को कैसे खींचूं? खींचो, खींचना ही होगा। इट्स एन ऑर्डर इन द नेम ऑफ लॉ। सर सर, हमें क्यों लॉकअप में डाल दिया? जॉन ने हमारे कैश बॉक्स की चोरी की थी, फिर हमें ही क्यों पकड़ लिया? जॉन ने जो किया वो सब गलत है, लेकिन तुम लोगों ने भी उसकी चॉकलेट की दुकान लुटवा दी, वो भी तो गलत है। जब तक तुम लोग सुधर नहीं जाते, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं। ये नहीं सुधरेंगे।